My biggest dreams to see you. Seeing you will be my pleasure, but no one is like you. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। वैसे अभी शाम के जो 6:15 बज रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और वैसे आज 16 जून आप ये ब्लॉग बकरा ईद के बाद देख रहे हो। कल यानी कि 17 तारीख को ईद उल अज़हा इंडिया में, बाकी गल्फ में आज है। तो अभी जस्ट लास्ट शॉक को मैंने एडिट किया जो आपने इसके पहले ऑलरेडी देख लिया हो। बाकी ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये वर्थी है, काफ़ी ट्रेंडिंग भी अभी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मस्त स्विच टोड़ी है भाई। तो ये मैं अपने टेबल पे रखा हुआ ऑन करके, क्योंकि एक ब्लॉगर का या फिर वीडियो एडिटर का दिमाग एंड जो पीसी है वो गर्म के गर्म रहता है। एंड ये जो चीज़ है भाई ये ठंडा रखने में बहुत काम करती है। इसको खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मैं इसके बारे में बात करना तो भाई बनता है। रात के जो भी 1 बज रहे हैं, एंड यू गाइस फोन मिली बकेट ऐसे बंद है, लेकिन बकरों की खुशबू घर तक आई। जो बताया मैं, जैसे काफ़ी और लोग हैं जिनके खुशबू पसंद है, बट कुछ लोग को नहीं पसंद है। एनीवे, जैसे आपको लास्ट वॉक की मैंने एंडिंग में कहा था कि अपने बिल्डिंग पे और भी बकरे आने वाले हैं, तो फाइनली वो बकरे आ चुके हैं। एंड बकरे भी एक दो नहीं आए, कितने हम आपको दिखा दूँ। तो ये 3 के अलावा ये जो बकरा है ये देखो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड भाई ये बकरे मैं आपको आगे बता दें कौन सा है। इसका मैं बकरा नहीं बोलूँगा, वो छोटा हाथी है ये। तो भाई शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। ये देखो ये दो टकले बकरे बैठे हैं माशाल्लाह, इनकी जान देखो खाली है, खाली बैठे हुए देखो। नहीं नहीं उठाऊँ बट एन भाई ये देखो, ये दुम्बा है गेटा, इसके पीछे की चक्की देखो खाली, क्रेजी भाई क्रेजी। इसका ये भी बकरा बहुत प्यारा है, ये फार्म के बोले हुए अल शेख गोड फार्म। और बाकी ये जो 3 बकरी अपने फैजान भाई के, ये 1, ये 2 और ये 3। बाकी लास्ट टाइम जो आपको ना बकरे दिखाया था, इस बार भी ये सारे के सारे बकरे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बकरे अपने मोहम्मद अली भाई के। भाई कैसे भाई, कैसे भाई, तुम्हारा नाम क्या भूल गया मैं? मोहम्मद अमीन। और बाकी ये जो बकरा है ये अपने मुंशी भाई का बकरा है, अच्छा इसका भी कलर भी बहुत प्यारा है, बकरा भी माशाल्लाह है। सो एकदम हल्की हल्की जो ड्रिजलिंग हुई थी। बाकी भाई वेदर फोकस में दिखा तो रहा है कि बारिश आने वाली है, लास्ट टाइम की तरफ इस बार भी शायद से आ सकती है बारिश। कैसे भाई, 4 बजे से लेके पूरा दिन बारिश दिखा रहा है, 80% चांस ही है। तो अभी तो फिलहाल में बिल्डिंग में 11 बकरे हैं, 2 बकरे के बाहर गए, एक मुन्ना भाई का और एक मुझे भाई का, छोटा वाला जाता वो आखिरी रात दिन की भी। अब बाकी ये वाला बकरा अभी जस्ट खड़ा हुआ है और देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बताया कैमरा में तो समझेगा नहीं, बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना भाई क्या चीज़ है भाई, जोड़ी है। और वो देखो सामने नाई लोग की बिल्डिंग भी आपको यहाँ से बकरे दिखाई देंगे 2 माले पे। रिहान भाई कैसे, हाँ देखे ना भाई। और ये मुझे मिल का पहला बकरा है, बेसिकली ये मुझे भाई अपने मुझे मिलना मन का। और बाकी मुझे भाई का ये जो बकरा है ये कुर्बानी करने पालने का है, यानी वैसे ये भी पला हुआ ही है, इसकी कुर्बानी होगी इस बार। और बाकी जो ये वाला बकरा है, बकरा ने मुझे खाते हुए लगा भाई, ये जो बकरा है लास्ट ईयर जो यहाँ पे था ये वही है, लेकिन इसका 1 साल पहले अभी इस बार इसकी कुर्बानी होगी। एंड भाई ये 1 साल में जो बड़ा है ना भाई, लास्ट ईयर क्या था इसका, अभी इस बार कितना, 10 हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी थोड़ा गिरा दिया कैमरे में आपको समझे गए, लेकिन मैं रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो भाई बहुत प्यारा बकरा है। इसके खाली पैर देखो आप, ये भी है भाई फुल ऑन एग्रेसिव बकरा है। ये देखो ये देखो ये देखो छाछ दे भाई मारने के लिए, क्या है हाँ ये डरेगा सिंह घुमा जैसा नहीं करने का डर नहीं नहीं भाई मतलब गलत लगा, गलत जगह पे लग जाए फिर लग जाएगा अपने तो लड़ाई तो कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या इसमें क्या है गाइस, क्या है छोटा पैकेट बड़ा था वहां का, कुर्बानी करेंगे अल्लाह की राह में, कुर्बानी करेंगे बकरे की। अस्सलाम वालेकुम, लड़की बता रिश्ता भी गई। तो अभी ऐसे ड्रिजलिंग तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, एंड अभी फटाफट से जा रहा हूं नहाने के लिए, क्योंकि मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जल्दी चले जाऊंगा, नहीं तो भाई बारिश में बाहर पढ़ना पड़ेगा नमाज, लेकिन इस बार मुझे अंदर पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट गाइस, नहाने के बाद मस्त शेर खुमरा और सेव खाने के बाद अभी जाएगा मैं निकल रहा हूँ मस्जिद जाने के लिए। वैसे अभी जो 4:15 बज रहे हैं, और एक और बात को मैं लेकर थोड़ा कंफ्यूज हुई कि मैं कहाँ पे जाऊँ, हमीदा मस्जिद में जाऊँ नमाज पढ़ने के लिए या फिर मीनारा मस्जिद में, क्योंकि भाई ईद उल अज़हा बोलो, ईद उल फितर बोलो, या फिर ऐसे नॉर्मली हम नमाज पढ़ते हैं वो मैं हमीदा मस्जिद में अदा करता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ मीनारा मस्जिद में, चलते चलते डिसाइड करता हूँ। और वैसे फजर की नमाज है 5:30 बजे की, एंड बाकी ईद की जो नमाज है वो 6:20 से 6:25 की है। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बकरा अनलोड हो रहा है। वैसे आपको तो पता है आपका भाई जो पहली जमा वाला है, और बाकी बस रास्ते में चलते चलते बकरों की खुशबू आ रही है, जिसको कुछ लोग बास कहते हैं, देखो बस खुशबू आ रही है। और ये देखिए व्लॉग में आपको मैंने कोई बड़े ही समय के बाद हमीदा मस्जिद दिखाया हूँ, तो सिंस मैं हमीदा मस्जिद के पास आ चुका हूँ, तो फिर मैं अपनी ईद उल अज़हा की नमाज इधर ही अदा करूँगा इंशाल्लाह। और वो रही सामने मीनारा मस्जिद माशाल्लाह। हमीदा मस्जिद का आगे का गेट जो फिलहाल बंद है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मीनारा मस्जिद के बाद, यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए। तो 6:25 की जमात है एंड दूसरी जमात है 7:20 की, फिलहाल तो गेट बंद है।
वैसे आप ये व्लॉग ईद अज़हा के बाद देख रहे हो। आज की इस मुबारक दिन भी हमें गाजा एंड पैलेस्टीन को दुआ में अपने जरूर याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे ईद को कल हो चुकी है। क्यूटी हुई बिल्डिंग के बीच में ये ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, ईद अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। ये भी इनका माशाल्लाह ईमान है। अल्लाह पाक इन सब पे आसानी करे, गाजा में भी एंड पैलेस्टीन में भी। सो इन्हें हमें डेफिनेटली दुआ में अपनी खुशूसी याद रखना है। आप सभी को एक बार फिर से मेरे तरफ से ईद अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। अल्लाह पाक हम सबकी आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें। आमीन। अभी सब जनों का सिर्फ एक ही का इंतजार होगा, वह है कसाई। और वैसे बारिश आने के 50% चांसेस है भाई। मस्त गर्मी आने के बाद वापस मैंने सिर पर मैं पिया एंड सेव पाया। मैंने भी आपको आजादी के ऊपर से बेसिकली बोटी बनाने की आवाज़ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक दो बजे के बनी हो जाएगी ऑलरेडी। रेहन भाई कितने बकरों की कुर्बानी हो चुकी है? फिलहाल 3 हो चुकी है। 3 हो चुकी है, बड़ा जल्दी हो गया। तो इधर है ना, इसको छोड़ दे, इधर ही मारेंगे तो है ना। तो घर पे आया तो मैं चेंज करने के लिए हमारे पड़ा एक दो पिचका जो उड़ी, तो फिर मैंने पठान की पूरी बैंड बच जाएगी। इस बैड भी सेफ थे। सॉरी, देखो सामने वाली बिल्डिंग में कुर्बानी हो रही है, उसको देखने के लिए ये खड़े हुए। तो अभी इस दुम्बे की बारी है। सुबह इन सब बगल में मेरा फेवरेट था एक बोर, इसकी कुर्बानी में देखने पाया। इसके अलग शादा बैग का वगैरह है जिसकी अभी कुर्बानी होगी, लेकिन मैं अभी बच्चे बोले थे क्योंकि मैं पूरी ताजगढ़ से जा कर रहा हूँ। फिर 9:45 रहे तो ये मैं अभी घर में बैठ गया, सो गया मैं। और वाइट से अभी दोपहर के जो 2:30 बज रहे हैं, एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं घर में चले गया था, फिर मैंने बत्ती गुल हो जाएगी तो ऐसा ही हुआ है। मस्त में सो गया, मैं भी जाके देखता हूँ मैं उसको तो बकरा बचा है कि नहीं। सो अभी तो फिलहाल अपने 2:45 बकरे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये रात 4 ये अपने नबील भाई का, ये पलने का है। बाकी जो 3 बकरे इनकी कुर्बानी हो जाएगी कल या फिर परसों, बासी था भी 3 बासी के दिन। और बाकी सारे के सारे बकरों की कुर्बानी हो चुकी है। तो कुर्बानी करना था जितना ही मतलब सलाम की सुन्नत है। जैसे हमने देखा भाई काफ़ी लोग रोते हैं, इंक्लूडिंग जब मेरे पास बकरा था, मैं भी जो बहुत रहता था, मेरे भाई भी बहुत रहता था। दिस इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइस। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम एंड इनके बेटे ही हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम का वाक्य आपने सुना होगा। वन सेकेंड अल्लाह पाक से दुआ ये है हम सब की, आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें। आमीन।
क्या बात है, अभी तक बकरों की खुशबू आ रही है। वैसे भी रात के 3:45 बजे जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो आपके लिए है एंड मेरे लिए भी बासित है एंड कोई बड़े ही समय बाद बकरे की बिरयानी खा के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। विद दैट सेड इस व्लॉग को मैं कहता हूं यही भी समाप्त। डू सब्सक्राइब इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मुडे नया युवा मित्र फॉर बजन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। सो आई वांट टू से अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिव मी एवरीथिंग।